हाय एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं बिल्कुल मार्केट जैसे गठिया सेव नमकीन की रेसिपी लेके। ये गठिया सेव खाने में बेहद टेस्टी होती है, कुरकुरी होती है और खस्तादार होती है। इसे बना करके स्टोर भी किया जा सकता है। आप इसे बना करके 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और बेहद खस्तादार बनती है। ये देखिए, साथ ही बनाना बहुत ही आसान होता है, तो चलिए इसे बनाना देखते हैं। इस गठिया नमकीन सेव को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। तो कोई भी कप या कटोरी से बेसन नाप के लीजिएगा। इस बेसन को हमें छान लेना है, क्योंकि बारिश के मौसम में बेसन में मैदे में थोड़ी सी नमी आ जाती है, इससे उसमें गुलटियाँ पड़ जाती हैं। तो उसे छान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि गुलटियाँ ख़त्म हो जाए। चम्मच से दबाते हुए इस तरह करेंगे तो सारी गुलटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ देखिए, बेसन हमारा छन गया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसको हम क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी, 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी हम क्रश करके डालेंगे, 1/3 कप। और जिस कप से हमने बेसन नापा था उसी कप से नाप करके 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। और जितना रिफाइंड ऑयल है उतना ही इसमें पानी डाल लेंगे। दोनों की मात्रा हमें बराबर रखनी है, तो ये टोटल 1/2 कप हो गया। अब इसे हमें फेंट लेना है, तो आप चाहे चम्मच से या फिर विस्कर की मदद से इसे फेंट लीजिए, या फिर आप चाहें तो मिक्सर जार में डाल के भी फेंट सकते हैं। क्योंकि क्वांटिटी में कम है, वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया है, इसलिए मैंने विस्कर से इसको फेंटा है। लगभग 5 मिनट फेंटने के बाद ये देखिए, तेल और पानी एक में मिल गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट दूध जैसा लग रहा है, जैसे कि माड़ होता है चावल का। अब बेसन और मसालों को हम ड्राई ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो हमने तेल और पानी मिक्स करके रखा था उसी को डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। तो डो हमें बहुत सख्त नहीं तैयार करना है, सॉफ्ट सा डो बनाना है। तो यहाँ देखिए, पूरा पानी हमारा लग जा रहा है। तो इस मेज़रमेंट से अगर पानी डालेंगे तो आपका गठिया बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसका डो बन के तैयार होगा। कभी कभी कोई बेसन ज़्यादा पानी सोखता है, कोई कम, तो 1/2 चम्मच कम और ज़्यादा पानी भी लग सकता है। अगर आप बेसन कटोरी से नाप रहे हैं तो उसी कटोरी से नाप करके 1/2 कटोरी मिक्स करके रिफाइंड और पानी ले लीजिए, और उसे फेंट करके फिर डो बनाइए, बहुत अच्छा डो बन के तैयार होगा। इस बेसन को हमें अच्छे से फेंटना है। फेंटते हुए इसको लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल फ्लफी हो गया है। तो चलिए अब गठिया बनाने चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक खाली पैकेट। यहाँ पे मैंने नमक का खाली पैकेट लिया है। पैकेट आप जो भी लीजिए, वो थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए। और इसमें ये जो किनारे वाला चौड़ा सा पार्ट है, इसे हमें निकाल देना है। ये देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा है, इसको कैंची से काट के हम निकाल देंगे, थोड़ा सा छोड़ते हुए, ताकि पूरी तरह से ये फूल न जाए। इस तरह से अब कॉर्नर पे हमें थोड़ा सा छोटा सा कट लगाना है। तो पैकेट को मोड़ेंगे और छोटा सा कट लगा लेंगे। अब इसमें 3-4 और कट लगा लेंगे इस तरीके से। कट लगाने से गठिया की डिज़ाइन बहुत अच्छी बन करके आएगी। अब एक खाली ग्लास लेंगे, इसमें पैकेट को डालेंगे और ऊपर से इस तरह से खोल देंगे। अब हमें डो डालने में बहुत आसानी होगी। पैकेट में डो डालने से पहले मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था। अब पूरा डो डालने के बाद इसको हम ऊपर से बंद कर लेंगे। और इसको दबाते हुए गठिया से बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ऐसे हमारा नमकीन बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, इसे मीडियम गर्म करना है। एक छोटा सा टुकड़ा डालें तो ये ऊपर तैर के आने लगा है, यानी कि तेल अच्छे से गर्म है। अब इसकी सेव हम बनाएंगे। तो ये देखिए, उंगली में हल्का सा ऑयल लगा है और थोड़ा थोड़ा सा इसको निकालते हुए हम कट लगाते जा रहे हैं। आप चाहें तो इसको पूरा जलेबी के जैसा सेव देते चले जाएँ, और बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो तोड़ दीजिए, और चाहे तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं। एक बार में जितना सेव आएगा उतना हम डाल देंगे, और इसको दोनों तरफ से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। शुरू शुरू में देखिए बहुत ज़्यादा ऑयल में बबल्स बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये सिकता जा रहा है इसमें बबल्स बनने कम होते जा रहे हैं। और जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा
लाइट गोल्डन हो जाएगा, फिर इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। तो यहाँ देखिए हमारी गठिया से फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेंगे। और बाकी बचे हुए डो को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हम तोड़ नहीं रहे हैं, पूरा एक साथ डालते जा रहे हैं। बाद में इसको हम तोड़ लेंगे तो सारे छोटे छोटे हो जाएंगे। और ये देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, आवाज़ से पता चल रहा है ना। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मार्केट जैसे गठिया सेव बनते हैं। ये देखिए इनको बस हल्का सा हम दबाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से चूर हो जाएंगे। इतने खस्तादार बने हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इन्हें बना करके आप स्टोर भी कर सकते हैं, एक से डेढ़ महीने तक आराम से चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बस इन्हें एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखिएगा तो ये कुरकुरे बने रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।